राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रानी मुखर्जी ने हाल ही में पति आदित्य चोपड़ा के साथ अपनी बॉन्डिंग और रिश्ते के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि आदित्य बोरिंग इंसान है, लेकिन वह उनकी जिंदगी में स्पार्क लेकर आती है। रानी ने माना कि वह लाइमलाइट से दूर अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ज्यादा पसंद करती है। एक्ट्रेस ने बताया कि समय के साथ उनका और आदित्य चोपड़ा का रिश्ता कैसे और भी ज्यादा खूबसूरत होता गया। एक्ट्रेस ने अपनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के बारे में खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में रानी ने कहा कि मेरे लिए आदित्य और मेरा सबसे अच्छा समय वो होता है जब हम साथ में कोई फिल्म देखने जाते हैं। हम हर शुक्रवार को मुंबई के YRF स्टूडियोज में फिल्म देखते हैं। जाकर लाइन में खड़े होना, टिकट लेना और अपना पॉपकॉर्न लेना, ये चीज़ें काफ़ी मज़ेदार होती है। आजकल आपको पिज़्ज़ा भी मिलता है। मुझे साथ में खाना और फिल्म देखना अच्छा लगता है। रानी बोली, जब हम इंडिया से बाहर होते हैं तब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। उनका हाथ पकड़ना, सच कहूँ तो उनके साथ सब कुछ अच्छा लगता है। मैं और आदित्य दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो वो उनमें अपनी शादी के किस्से जरूर शामिल करेंगे। शादी के बारे में जिक्र करते हुए रानी ने कहा, मैं ऑफिशियली तौर पर पहली दुल्हन थी जिसने शादी पर सब्यसाची का आउटफिट पहना था। हो सकता है मैं जल्द ही अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करूं। बता दें कि रानी ने अभी तक अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।